वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है प्रेमलू। एक्चुअली इस मूवी को कब का ला देना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से डिले हो गया। अब मूवी के बारे में बात करें तो नाइस, बहुत ही अच्छी लगी, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मूवी है। एक बंदे की लव और लाइफ जर्नी को दिखाया जाता है इस मूवी में, तो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही तमिलनाडु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज को दिखाया जाता है, और फिलहाल 2022 की बैच का आज लास्ट डे होता है, जिसकी वजह से ये सारे स्टूडेंट्स अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। तो इसी में लप्पू से सचिन को दिखाया जाता है, और ये सचिन 4 सालों से अंजलि नाम की एक लड़की से प्यार करते रहता है, लेकिन अभी तक इस लड़की को प्रपोज नहीं किया होता। तो आज फाइनल डे होने की वजह से दो बियर की बॉटल्स अपने हाथ में चढ़ाकर अंजलि के सामने जाकर प्रपोज कर ही देता है, लेकिन अंजलि सचिन के पैर को ठुकरा देती है। वही सेम रूटीन डायलॉग बोलने लगती है कि मैंने तुमको उस नजरिए से देखा ही नहीं। उसके बाद क्या था, बेचारे लप्पू सचिन का दिल टूट जाता है। दूसरे सीन में सचिन की फैमिली को दिखाया जाता है। इसकी फैमिली में इसके माँ बाप, इसकी बहन रहती है, और इसी तरह कुछ दिनों बाद इसकी बहन की शादी होने वाली होती है उसके ही बॉयफ्रेंड के साथ। और एक और बात यह है कि सचिन यूके जाना चाहता है आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी तक सचिन ने यह बात अपने पापा को नहीं बताई। इसी बातों ही बातों में हमको एक और बात भी पता चलती है कि सचिन के माँ बाप एक दूसरे से 1 साल से नहीं बात कर रहे होते। मतलब 1 साल पहले इन दोनों के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था, और वो झगड़ा अभी भी चल रहा है। जब सचिन अपने यूके की बात अपने फादर से शेयर करने लगता है, तो इसका फादर सचिन को डांटने लगता है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, उस टाइम तो मैंने जमीन बेचने के लिए कहा था लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। इस तरह से दोबारा झगड़ा करने लगते हैं। तो सचिन सोच लेता है कि इसको ही कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और उसी तरह यहाँ पर सचिन के फादर की एक बेकरी होती है, जब जब सचिन केक्स आइसक्रीम्स वगैरह होम डिलीवरी करते रहता है। खैर उसके बाद सचिन अपने फ्रेंड के साथ मिलकर वीजा के लिए अप्लाई करता है। कुछ दिनों बाद सचिन और उसके फ्रेंड को एक पोस्ट आता है। पता चलता है कि सचिन के फ्रेंड को वीजा मिल चुकी है, लेकिन सचिन का बैंक बैलेंस ढंग से ना होने की वजह से इसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बेचारा सचिन बहुत दुखी होने लगता है। सचिन का फ्रेंड सचिन को मोटिवेट करने लगता है, अरे यार तुम फिक्र मत करो, दोबारा 6 महीनों के बाद ट्राई करो। उसी वक्त सचिन का फादर कॉल करके किसी के घर पर जाकर केक डिलीवर करने के लिए कहता है। जब सचिन उस घर के पास जाता है, तो उस घर में इसका स्कूल क्लासमेट अमल होता है, और शॉक में रह जाता है, अरे यार ये तुम्हारा घर है। अब इस घर में बर्थडे पार्टी होने की वजह से अमल सचिन को अपने घर के अंदर इनवाइट करने लगता है। उसके बाद ये दोनों टेरेस के ऊपर जाकर अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। सचिन अपने बारे में बताने लगता है कि यूके को अप्लाई किया लेकिन इसका वीजा रिजेक्ट हो गया, इसके फ्रेंड को वीजा मिल गया, और सचिन जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहता है, मतलब अपने घर से दूर। इसी में सचिन अमल से अपने लव फेलियर के बारे में बताने लगता है। अमल भी कहने लगता है कि एक गेट का एग्जाम लिखकर रुड़की जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद सचिन कहने लगता है, अरे अमल अब मेरे पास तुम ही इकलौते ऑप्शन हो, तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना प्लीज। तो उसी रात अमल सचिन के बेकरी के पास आकर इसको भी गेट ज्वाइन करने के लिए कहता है, और कोचिंग हैदराबाद में है, हम दोनों रूम शेयर कर लेंगे। तो सचिन भी इसके लिए ओके कह देता है। दूसरी तरफ हैदराबाद में रीनू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, और रिसेंटली रीनू एक कंपनी में ज्वाइन होती है, और वो भी अपने फ्रेंड कार्तिका की मदद से। तो रीनू का आज फर्स्ट डे होता है, तो सारे लोगों के बीच इंट्रोडक्शन वगैरह होने लगता है। रीनू का एक टीम मेंबर रीनू को इस ऑफिस के बारे में सारे डिटेल्स बताने लगता है कि कहाँ पर क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। थोड़ी देर के बाद एक बंदा रीनू के पास आकर कहने लगता है कि रीनू तुमको टीम लीडर ने बुलाया है फटाफट से। तो रीनू बहुत डरने लगती है कि इसने पहले दिन क्या कांड कर दिया, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली आज रीनू का बर्थडे है। ये सारे लोग रीनू को सरप्राइज देने लगते है। रीनू के टीम में ही आदि नाम का एक सीनियर डेवलपर होता है, और रीनू को देखते ही इसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। और शॉकिंग बात यह है कि रीनू यहाँ पर आने से पहले आदि ने रीनू के बारे में सब कुछ जान लिया होता है, इसके माँ बाप के बारे में, इसके होम टाउन के बारे में, इसके हैबिट्स के बारे में, मतलब इन शॉर्ट आदि रीनू को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है। खैर ऑफिस खत्म होने के बाद रीनू की फ्रेंड कार्तिका रीनू को अपने फ्लैट पर ले जाने लगती है। इसके फ्लैट में रीनू से मिलाकर 3 लोग रहते हैं। तीसरी लड़की का नाम होता है निहारिका, जो हमेशा गांजा फूकती रहती है। एट द सेम टाइम सचिन और अमल हैदराबाद आते हैं गेट कोचिंग के लिए, और अमल ने यहाँ पर ऑलरेडी एक रूम का जुगाड़ कर चुका होता है, और इस रूम में एक ही खटिया होती है। तो अमल और सचिन डिसाइड कर लेते हैं कि 3 दिन एक बंदा खटिया पर सोएगा, 3 दिन एक बंदा नीचे सोएगा। जब संडे आता है तो टॉस करेंगे, जो जीता खटिया उसी की। दूसरी तरफ रीनू की जॉब अच्छी खासी चलती रहती है, ये अपनी जॉब को बहुत ही एंजॉय करती रहती है।
इस तरफ सचिन अपने कोचिंग पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि ये तो बस नाम के लिए ज्वाइन हुआ होता है ना। खैर एक रात रीनू, कार्तिका, निहारिका दारू पीते हुए टेरेस के ऊपर बैठकर एक डेटिंग ऐप में अपने बॉयफ्रेंड को तलाश करती रहती है, लेकिन एक भी लड़का इसका मैच का नहीं होता। कार्तिका कहने लगती है कि तुम्हारी डिमांड्स को फुलफिल करने वाला बंदा इतना आसानी से नहीं मिलेगा। और उसी तरह कॉलेज डेज में रीनू का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक्चुअली रीनू अपने बॉयफ्रेंड के रिलेटेड थोड़ा अच्छे से केयरिंग किया करती थी, लेकिन रीनू का केयरिंग उसको पसंद नहीं आया, सो ब्रेकअप। अब इसी बातों ही बातों में ये बेवड़ी निहारिका ये कहने लगती है कि ये कैन मैं नीचे फेंकूंगी, जिसके ऊपर गिरेगा रीनू तुम उसी से शादी करोगी। तो वो कैन एक बूढ़े के सिर पर गिरता है। उसके बाद क्या था, ये तीनों फटाक से डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ अमल अपने गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा रोमांटिकली बातें शातें करते रहता है। अब बेचारे सचिन की तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। खैर दूसरे दिन सचिन अमल से अपना एक और डिसीजन बताने लगता है कि तमिलनाडु में सचिन का एक फ्रेंड है, इसका फ्रेंड तमिलनाडु बुला रहा है। तो अमल सचिन को डांटने लगता है, अरे यार तुम अपनी लाइफ में एक ही गोल रखो, कभी इधर कभी उधर कंफ्यूज होके रह जाओगे तुम। तभी सचिन और अमल के पास इनका टीचर आता है, वही गेट कोचिंग देने वाला, मतलब ये बंदा इन दोनों से थोड़ा क्लोज होता है। तो इसी दरमियान में इन दोनों का टीचर इन दोनों को अपनी शादी पर इनवाइट करने लगता है कि तुम दोनों को मेरी शादी पर जरूर आना होगा। तो ये दोनों भी ओके कह देते हैं। इस तरफ ऑफिस में रीनू और उसके टीम मेंबर्स एक छोटा सा गेम खेलने लगते हैं। इसी दरमियान में रीनू के भी पूछने लगते हैं कि तुम किसको मारोगी, किसको ब्रदर बनाओगी, किससे शादी करोगी। अब गेम होने की वजह से रीनू आदि का नाम लेती है कि मैं आदि से शादी करूंगी। तभी यहाँ पर आदि आकर बहुत ही सीरियस तरीके से रिएक्ट करने लगता है, अपनी टीम को डांटने लगता है कि ये बच्चों के गेम्स बंद करो। लेकिन बाद में आदि वॉशरूम में जाकर बहुत खुश होने लगता है कि रीनू के मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। तभी तो रीनू ने ये कहा कि मुझसे शादी करेगी। खास के बाद आदि अपनी टीम के पास आकर श्राविनी के वेडिंग के बारे में डिस्कस करने लगता है कि कौन कौन शादी पर आने वाला है, और सीधा शादी पर हम लोगों को एक धमाकेदार परफॉर्मेंस करना होगा, श्राविनी को सरप्राइज करना होगा। सो दूसरे दिन आदि और उसके टीम मेंबर्स शादी पर आते हैं, और वो भी आंध्रा। और थोड़ी देर के बाद सचिन और अमल अपनी गाड़ी में यहाँ पर आने लगते हैं, और शायद सचिन ब्रेक दबाने के बजाय एक्सेलरेटर दबाने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल में ही नहीं होती। शादी के घर में एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है जो काफी सालों से यहीं पर होता है, और अपनी गाड़ी से उस स्टैचू को ठोक देते हैं, और जस्ट आदि इस स्टैचू के नीचे आकर मरते मरते बच जाता है। तो यह हंगामा देखकर वहाँ के सारे लोग सचिन और अमल को बहुत डांटने लगते हैं। तभी यहाँ पर इन दोनों को गेट कोचिंग देने वाला बंदा आकर इन दोनों को बचा ही लेता है। खैर उसके बाद हल्दी फंक्शन के दौरान सचिन रीनू को देखकर फ्लैट हो जाता है। यही बात सचिन अपने फ्रेंड अमल से भी बताने लगता है कि वो लड़की मुझे बहुत भाग गई यार। यह होने के बाद आदि के टीम मेंबर्स अपना डांस परफॉर्मेंस देने लगते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान बार बार आदि रीनू को ही टच करते रहता है। अब ये देखकर सचिन और अमल को शक होने लगता है, क्या इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, क्या रीनू सिंगल नहीं है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आदि, रीनू, कार्तिका सचिन और अमल के सामने आकर बैठते हैं। तो मौके पे चौका सचिन हल्के से जोक्स मारने लगता है। तो सचिन के जोक्स को सुनकर जब रीनू हंस रही होती है तो आदि की डैश जलने लगती है। खैर डिनर वगैरह खत्म होने के बाद जब रीनू और कार्तिका अकेली बैठी होती है, सचिन और अमल इन दोनों के पास आते हैं, तो बहुत देर तक इन चारों के बीच अच्छी खासी गपशप होने लगती है, एक दूसरे के बारे में जान भी लेते हैं। इसी दरमियान में सचिन रीनू से कहने लगता है कि मैं कुछ दिनों बाद चेन्नई जाने वाला हूँ, वहाँ पर कुछ न कुछ जॉब कर लूंगा, क्योंकि मुझे हैदराबाद में रहने की कोई वजह नजर नहीं आई। दूसरे दिन शादी के दौरान रीनू और कार्तिका को ये बात पता चलती है कि आदि हैदराबाद नहीं आ रहा, ये विशाखापट्टनम जा रहा है कुछ काम से, और शायद बाकी लोग भी दूसरी जगह पर जा रहे हैं। शादी खत्म होने के बाद जब सचिन और अमल दुख के साथ जब यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी इन दोनों के पास रीनू और कार्तिका आते हैं, पूछने लगते हैं क्या हम दोनों आपके साथ हैदराबाद आ सकते हैं। तो सचिन बहुत खुश होने लगता है। जब रीनू और कार्तिका ये बात आदि को जाकर बताने लगते हैं, तो आदि टोटली मना करने लगता है कि उन दोनों का चेहरा तो चोरों से मिलता जुलता है, मैं नहीं भेजने वाला तुम दोनों को उनके साथ। लेकिन रीनू आदि से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि हम दोनों यहाँ पर और नहीं रह सकते, आप सारे लोग चले जाओगे तो हम दोनों बोर हो जाएंगे। तो फाइनली आदि मान जाता है इन दोनों के साथ हैदराबाद भेजने के लिए। खैर जर्नी के दौरान ये चारों बहुत एंजॉय करने लगते हैं। फाइनली रात होने के बाद ये चारों हैदराबाद पहुंच जाते हैं, और इसी तरह एक दूसरे के नंबर्स भी एक्सचेंज कर चुके होते हैं। अब सचिन डिसाइड कर लेता है कि ये चेन्नई नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, और इसी तरह सचिन गेट कोचिंग पर नहीं जाएगा, वो यहीं पर एक अच्छी सी जॉब ढूंढेगा। अमल से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम्हारा कजिन थॉमस है ना, उनका एक रेस्टोरेंट है ना, उसमें मेरे लिए एक जॉब ढूंढो ना। सो दूसरे दिन अमल सचिन को लेकर उसी रेस्टोरेंट पर जाता है, और सचिन को यहाँ पर जॉब भी मिल जाती है। उसके बाद अमल कार्तिका को मैसेज करने लगता है, क्या तुम्हारे अपार्टमेंट के आसपास कोई पीजीस मौजूद है।
तो कार्तिका उसी तरह से इन दोनों को एक एड्रेस बताने लगती है। इस तरह आदि अपने ऑफिस में लेडीज सेफ्टी के लिए सारे गर्ल्स को पेपर स्प्रे गिफ्ट देने लगता है। इस तरफ सचिन और अमर उस पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं और शॉकिंग बात यह है कि इन दोनों का पीजी रीनू और कार्तिका के अपार्टमेंट के पास ही होता है। मतलब अगर टेरेस के ऊपर आए तो इनका अपार्टमेंट नजर आता है। अमर इन दोनों को कॉल करके चाय पीने के लिए बुलाता है तो चाय पीते समय सचिन से यही पूछने लगते हैं कि तुम तो चेन्नई जाने वाले थे ना। सचिन कहने लगता है हाँ मैंने यहीं पर एक छोटी सी जॉब ढूंढ ली है। इसी बातों ही बातों में इस वीकेंड पर ये चारों पब जाने का प्लान बनाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि कार्तिका यही समझ रही होती है कि अमल इससे प्यार करता है, हालांकि अमल की गर्लफ्रेंड होती है और कार्तिका का बीएफ। सो जब ये दोनों रेडी शेडी हो रहे होते हैं तो निहारिका भी इन दोनों के साथ जाने की विश करती है। सो कार्तिका यही बात अमल को कॉल करके बताने लगती है कि हमारे साथ हमारी एक और फ्रेंड भी आने वाली है, लेकिन उस पब में तो जोड़ी ही जा सकती है। तो सचिन और अमल यही सोचने लगते है कि अब हम दोनों को एक और बंदे को कैसे सेट करना होगा। अमल डिसाइड कर लेता है कि इसके कजिन थॉमस को पप्पर लाएगा। सो इस तरह से ये छह लोग मिलकर पप्पर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सचिन और अमल कार्तिका को साइड में बुलाते हैं और कार्तिका यही समझने लगती है कि अमल इसको प्रपोज करने वाला है, लेकिन अमल कहने लगता है कि सचिन रीनू से प्यार करता है। तो ये सुनने के बाद कार्तिका टोटली मना करने लगती है कि रीनू तुम जैसे लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसकी डिमांड्स कुछ और है, वो अपने से मैच्योर लड़के को सेलेक्ट करेगी और तुम तो सेटल भी नहीं हो अपनी लाइफ में। और वैसे भी ऑफिस में रूमर चल रहा है कि रीनू और आदि का चक्कर चल रहा है। तो ये सुनने के बाद बेचारे सचिन का दिल दोबारा टूट जाता है, बहुत दारू पीने लगता है। खैर सुबह होने के बाद अमल सचिन से यही कहने लगता है कि अब तो तुमको एक क्लैरिटी आ चुकी है ना कि रीनू तुमसे प्यार नहीं करती, अब जाओ चेन्नई चले जाओ तुम। सचिन कहने लगता है कि मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला, मैं खुद रीनू को प्रपोज करूंगा। इस तरफ ऑफिस में रीनू फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाती है और इसकी टीम मेंबर से रीनू से एक छोटी सी ट्रीट मांगने लगते हैं। तो रीनू सचिन को कॉल करके याइट बर्गर्स इसके ऑफिस के पास लाकर देने के लिए कहती है। तो सचिन उसी तरह से रीनू के ऑफिस के पास जाकर देने लगता है और सचिन की मेहनत को देखकर रीनू सचिन से कहने लगती है कि तुम अपना रिज्यूम मुझे फॉरवर्ड करो, मैं तुमको एक ऑफिस में रिकमेंड करूंगी। खैर ऑफिस में बर्गर खाते वक्त आदि रीनू से पूछने लगता है कि तुमको इस टीएफसी के बारे में कैसे पता। तो तब जाके रीनू आदि को बताने लगती है कि रीनू अभी भी सचिन से टच में है। तो यह सुनने के बाद आदि की दोबारा जलने लगती है। खैर दूसरे दिन सचिन और उसका फ्रेंड अपने कॉलेज पर आते हैं अपने सर्टिफिकेट्स लेने के लिए। सर्टिफिकेट लेने के बाद सचिन अपने फ्रेंड के सामने बहुत जमाने लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है रीनू जो बहुत बड़े कंपनी में काम करती है, इसके बिना नहीं रह सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद जब सचिन रीनू का स्टेटस देखकर रीनू को कॉल करने पर एक्चुअली रीनू अपने होम टाउन जा रही होती है, ट्रेन में होती है ये। रीनू कहने लगती है अरे सचिन उस दिन जो तुमने बर्गर खिलाया ना उसकी वजह से मुझे लूज मोशंस होने लगे, अभी भी तबीयत थोड़ी खराब है। और रीनू की ट्रेन कुछ देर बाद सैलम स्टेशन को आने वाली होती है। सचिन कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाऊंगा। इस तरह से सचिन फटाफट से एक बुढ़िया के पास जाकर एक आयुर्वेदिक दवाई बनवाकर विद इन टाइम में रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर रीनू को वो दवाई देने लगता है ताकि रीनू के मोशंस कम हो जाए। इस स्टेशन में ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकती है। उसके बाद रीनू जब सचिन को कॉल करती है तो सचिन बाहर नहीं गया होता, ये तो जनरल अपार्टमेंट में होता है। रीनू से बहाना बनाने लगता है कि मैंने सोचा कि मैं भी अपने घर लौट जाऊं कुछ दिन के लिए। उसके बाद जब ट्रेन दूसरे स्टेशन पर रुकती है तो रीनू सचिन को अपने डिब्बे में इनवाइट करती है। तो इसी बातों ही बातों में आदि रीनू को वीडियो कॉल करने लगता है और वीडियो कॉल में आदि सचिन को देखने लगता है। सचिन को देखकर आदि बहुत रिएक्ट करने लगता है कि तुम फटाफट से उसको ट्रेन से फेंक दो वरना तुम ट्रेन से उतर जाओ। सो आदि का ये बिहेवियर रीनू को पसंद नहीं आता, इसका फोन काट देती है। उसके बाद सचिन इनडायरेक्टली रीनू से पूछने लगता है कि तुम और आदि रिलेशनशिप में हो ना, तो रीनू इसके लिए टोटली मना करने लगती है कि तुमको किसने कहा, वो तो मेरा बेस्टी है बस। थोड़ी देर के बाद सचिन रीनू से कहने लगता है कि तुम सो जाओ मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। जब रीनू सो जाती है तो सचिन रीनू को अपने दिल की बात बोलने लगता है कि जब मैंने तुमको पहली बार शादी में देखा उसी वक्त मैं फ्लैट हो गया और अभी भी मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। लेकिन रीनू तो सचिन की बातें नहीं सुन रही होती, वो तो कब का सो चुकी होती है ना। बाद में सचिन का स्टेशन आने पर वो उतर जाता है। ये दोनों जब अपने घर पर होते हैं तो फुल तरीके से चैटिंग वाटिंग करते रहते हैं, अपने घर के बारे में शेयरिंग करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। खैर हैदराबाद आने के बाद रीनू ने सचिन और अमल को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाया होता है और उसी तरह रीनू ने सचिन को अपना फोन भी दिया होता है क्योंकि सचिन का फोन टूट चुका होता है भागते वक्त उस दिन ट्रेन में। घर के अंदर जाने पर वहाँ पर ऑलरेडी आदि मौजूद होता है
और उसी तरह थोड़ी दिन के लिए रीनू के माँ बाप भी हैदराबाद आते हैं। पार्टी के दौरान आदि रीनू के पेरेंट्स को भी बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है कि आदि एक लौता बंदा है जो रीनू की केयरिंग कर रहा है। खैर दूसरे दिन रीनू के ऑफिस वाले हैदराबाद एक्सप्लोर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिप को प्लान करते हैं। अब इस ट्रिप पर रीनू सचिन और अमल को भी इन्वाइट करती है। ट्रिप के दौरान आदि सचिन को जलील करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन सचिन रीनू को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है। खैर यह होने के बाद एक दिन रीनू सचिन को लेकर नेट सेंटर पर जाती है इसका रिज्यूम प्रिपेयर करने के लिए। तो इसी दरमियान में सचिन हल्के से रीनू को प्रपोज करने लगता है, लेकिन रीनू सचिन के प्रपोजल को साफ मना कर देती है। वही सेम जवाब मिलता है बेचारे को। सचिन पूछने लगता है, तो तुम भी मेरे कंपनी को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी ना, मेरी बहुत हेल्प की, मेरी केयरिंग की। रीनू भी यही कहने लगती है, अरे तुम मेरे फ्रेंड हो इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तो सचिन गुस्से में आकर वहाँ से उठकर चला जाता है। क्या इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। जब रीनू अपने फ्लैट पर आती है तो कार्तिका रीनू को एक शॉकिंग न्यूज बताने लगती है। वो यह है कि कार्तिका रिजाइन करने वाली है क्योंकि इसका फियांस तो बेंगलुरु में जॉब करता है। तो कार्तिका भी अपने फियांस के कंपनी में जॉब हासिल करना चाहती है। तो यह सुनने के बाद रीनू थोड़ा सा अपसेट होने लगती है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड ही इसके ऑफिस में नहीं रहेगी। दूसरे दिन ऑफिस में रीनू और आदि के बीच हल्का सा एक झगड़ा होने लगता है। आखिर झगड़ा नहीं, आर्गुमेंट होने लगता है किसी बात को लेकर। मतलब बात यह है कि रीनू ने ट्रिप पर आदि को भाव नहीं दिया तो उसी का रिवेंज ले रहा होता है आदि। उसी रात रीनू सचिन के रेस्टोरेंट के पास आती है सचिन से मिलने के लिए। कहने लगती है, हाँ मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे क्लोजली मूव किया, और हाँ सचिन अब मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अब हम दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं होगी, अगर इम्पोर्टेंट मैटर होगा तभी हम दोनों के बीच बात होगी। और इसी बातों ही बातों में रीनू सचिन को हल्के से इंसल्ट भी करने लगती है कि सचिन ये तो तुम्हारा पहला रिजेक्शन नहीं था ना, ऑलरेडी कॉलेज में तुमको एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो इसको भी लाइट ले लो। तो यह सुनने के बाद सचिन बहुत हर्ट होता है, रीनू का फोन रीनू को ही दे देता है। उसके बाद सचिन अपने रूम पर आकर अमल से ये सारी बात बताकर बहुत दुखी होने लगता है, बहुत रोने लगता है। सुबह होने के बाद रीनू अमल के पास आती है फोन देने के लिए, लेकिन अमल कहने लगता है कि सचिन तो चेन्नई चला गया। और उसी तरह रीनू को भी डांटने लगता है कि अगर तुमको उससे प्यार नहीं था तो सिर्फ नो बोल देती, उसको इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी। इस तरफ सचिन चेन्नई आने के बाद एक रियलिटी शो में काम करने लगता है। दूसरी तरफ रीनू की लाइफ भी थोड़ा मूड ऑफ से चलने लगती है। इसी दरमियान में बार बार सचिन को कॉल करती रहती है, लेकिन सचिन इसका फोन ही पिक नहीं करता। खैर इसके कुछ दिनों बाद कार्तिका की शादी होने वाली होती है। कार्तिका किसी जगह पर एक छोटी सी पार्टी रखती है। इस पार्टी पर सचिन और अमल भी आते हैं। रीनू सचिन को देखकर इसके पास आती है बात करने के लिए। सचिन कहने लगता है कि मेरा वीजा अप्रूव हो चुका है, मैं कल यूके जाने वाला हूँ। रीनू पूछने लगती है कि मैंने तुमको काफी सारी बार कॉल किया। सचिन कहने लगता है, मैं तुम्हारा फोन क्यों पिक करूं? वैसे तुमने ही कहा था ना कि अब हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। उसी वक्त यहाँ पर आदि आकर सचिन और अमल को साइड में बुलाने लगता है इन दोनों से कुछ बात करने के लिए। बातों ही बातों में सचिन आदि से ही कहने लगता है कि रीनू तुमसे प्यार नहीं करती। इसी बात को लेकर हल्के से झगड़ा होने लगता है। तभी इन तीनों के पास रीनू आकर कन्फर्म कर देती है कि रीनू आदि से प्यार नहीं करती। तो सारे लोगों के सामने आदि जोकर बन जाता है। खैर यह होने के बाद इन दोनों ने बहुत दारू पी रखी होती है, वहीं पर सो जाते हैं। यहाँ पर भी रीनू सचिन की केयरिंग करने की कोशिश करने लगती है, इसको पिल्लो लाकर देने लगती है। खैर सुबह होने के बाद थॉमस अमल सचिन को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जाने लगते हैं। उसी वक्त रीनू यहाँ पर आकर सचिन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चलूंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो उसी वक्त आदि अपने गाँव से कुछ गुंडों को ले आता है सचिन और अमल को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि पार्टी के दिन इन दोनों ने आदि की बहुत धज्जियां उड़ाई थी। इस तरफ एयरपोर्ट जाते समय रीनू सचिन से बात करने की कोशिश करने लगते हैं कि एयरपोर्ट में चेकिंग कैसी होगी, लेकिन सचिन रीनू से बात ही नहीं करता। रीनू गुस्से में आकर कहने लगती है कि तुम वहाँ पर सर्वाइव नहीं हो पाओगे, आखिरकार तुमको वहाँ पर जाने के लिए किसने कहा। रीनू को पसंद नहीं होता कि सचिन यूके जाए। इसी दरमियान में अमल ये ऑब्जर्व करता है कि आदि कुछ गुंडों के साथ इनकी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। एट द सेम टाइम इसी चेजिंग के दौरान रीनू हल्के से सचिन को प्रपोज भी करने लगती है कि सचिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई, और हाँ मैंने तुम्हारे ऊपर जो केयरिंग दिखाई वो मैंने बहुत ही एंजॉय किया, मुझे ये बात लेट से समझ में आई। तो ये सुनने के बाद सचिन बहुत खुश होने लगता है। उसी वक्त आदि और उसके आदमी सचिन की गाड़ी को ओवरटेक करके इसकी गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन तभी रीनू अपने बैग से पेपर स्प्रे लेकर आदि की आंखों में स्प्रे करने लगती है, जो कुछ दिनों पहले आदि ने इसी स्प्रे को रीनू को दिया था। इस तरह से फाइनली ये लोग एयरपोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। रीनू सचिन को हग करके इसको टाटा बाय बाय बोलने लगती है।
कहने लगती है कि फिलहाल तुम अपने करियर के लिए यूके चले जाओ, हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे और मैं तुम्हारा आने का इंतजार करती रहूंगी। फाइनली एक और सीन को दिखाया जाता है। एक दिन रीनू, कार्तिका, निहारिका छत पर बैठकर दारू पी रहे थे ना, उस वक्त ये बेवड़ी निहारिका कैन को नीचे फेंका था ना कि जिस पर ये कैन गिरेगा वही रीनू का हस्बैंड है, तो उस वक्त वो कैन सचिन के ऊपर ही गिरता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।